Good evening, everyone. How are you guys? Welcome to Navoday Classes M for Ensh, my YouTube channel. Today, I am going to discuss the OSSC Livestock Inspector Answer Key. तो लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर आंसर के में मैं बायोलॉजिकल साइंस अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा बायोलॉजिकल साइंस के बारे में. तो बायोलॉजिकल साइंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन सवाल क्या था देखते हैं फटाफट हम लोग. तो सबसे पहला क्वेश्चन बायोलॉजिकल साइंस में था इनवॉलंटरी एक्शन इन बॉडी आर कंट्रोल बाय डैश. इनवॉलंटरी एक्शन इन बॉडी आर कंट्रोल बाय किसके द्वारा होता है. द करेक्ट आंसर में सटीक आंसर फटाफट बताते जा रहा हूं, मेडुला इन हिंड ब्रेन. क्या होगा आंसर इज मेडुला इन हिंड ब्रेन होगा. क्वेश्चन नंबर 102. इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज 2- कार्बोहाइड्रेट. तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा. नेक्स्ट ह्यूमन बेइंग्स न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज आज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. क्या होगा ऑप्शन डी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टोमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आंसर होगा. क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आंसर. नेक्स्ट राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन पार्ट हार्ट इज कंटेन्स डैश टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फटाफट आंसर देख लीजिए टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत आसान आंसर आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन शो मैक्सिमम एफिनिटी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. तो वो क्या है आंसर ऑक्सीजन. क्या है बेटा ऑक्सीजन. नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ए ह्यूमन बॉडी कितना होता है 22 पेयर्स, मतलब 44 क्रोमोसोम्स. क्या 44 आंसर. नेक्स्ट फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रन इज क्या कहेंगे उसको ग्लोमेरुलस कहेंगे. क्या कहेंगे ग्लोमेरुलस कहेंगे. ठीक है क्लियर. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर यहां पे देखो फटाफट देखो बेटा फटाफट देखो. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले ए रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म. ये आंसर क्या होगा डब्ल्यूबीसी होगा. क्या होगा डब्ल्यूबीसी. बोन मैट्रिक्स इन रिच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर होगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंडन में नहीं होता है. क्या होगा आंसर ऑप्शन सी टेंडन. फैट्स आर स्टोर इन ह्यूमन बॉडी एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स अकर्स ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलेन क्यामा. द लिविंग सेल प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट बोन्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट. क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल वॉल. फटाफट फटाफट आंसर देखिए फटाफट. ठीक है ना साइंस का. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आइए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है. सबसे लिपिड्स मॉलिक्यूल्स इन द सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रॉफ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है प्रोटीन होता है. इफ राइबोसोम ऑफ सेल्स आर डिस्ट्रॉय तो क्या होगा प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोमा सोमैटिक सेल डिवीजन बोथ ए एंड बी. व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस मलुस्का. फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड. वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिफर्स टू स्टेम रूट लीव्स. आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच ऑफ द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन प्लांट्स ऑक्सिन. देन द अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ शूट एंड रूट्स ये क्या होगा जियोट्रोपिज्म. फटाफट फटाफट आंसर देखते जाओ. साइंस का 30 से 30 ठीक होना चाहिए. बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन. नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का. इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या होगा बेटा कार्निवोर्स. टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन टू. डिप्लेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज ड्यू टू हैलोजन कंपाउंड. नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटासियम मैक्रोन्यूट्रिएंट. डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच ग्रेव डिजीज. इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवलिंग इन ए न्यूट्रॉन्स फॉर्म्स दैट इज डेंड्राइट सेल बॉडी एक्शन. दिस इज साइंस क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया. तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए नवोदय क्लासेस एम फॉर एम्स में और ऐसे आपको अपडेट में साइंस बायोलॉजिकल साइंस का 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया. अभी रेस्ट पार्ट में अभी मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है.